नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय बैठक रविवार को भागलपुर के मुंदीचक स्थित विभाग भवन में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा के नवनियुक्त 13 जिलाध्यक्ष के साथ कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान करीब 400 कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जिसमें पार्टी के सभी प्रकोष्ठ को मजबूती प्रदान करने के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के अलावा भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा, विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा, विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने किया। मौके पर भागलपुर समेत कई जिलों के भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी आज संगठनात्मक बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के हित में काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की भाव से कदम बढ़ा रहा है। 2024 में क्या होगा? 2024 और 25 की तैयारी हम लोग शुरू से कर रहे हैं। हमारा हमेशा संगठनात्मक बैठक होती है, कोई चुनाव को ध्यान में रख के तैयारी नहीं करते। ये तो क्षेत्रीय पार्टी है या मौसम में जब आता है तो मौसम में अपने एक्टिविटी बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी तो लोक कल्याण, सबका साथ सबका विकास की भाव से हमेशा संगठन का काम करते रहता है। बिहार में अपराध और अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण पटना में हुए चिकित्सक संजय कुमार का रहस्यमय ढंग से अपहरण होने के रूप में सामने आया है। दरअसल पिछले 1 मार्च से गायब डॉक्टर संजय कुमार का 12 दिनों में कुछ भी पता नहीं चल सका है, जिससे सरकार और पुलिसिया तंत्र की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक डॉक्टर संजय कुमार लौटकर अपने घर वापस नहीं आए हैं, जबकि उनकी गाड़ी और मोबाइल पटना के गंगा सेतु से बरामद हुआ है। वहीं इसको लेकर कई तरह की आशंका जताई जा रही है, जिसमें उनके द्वारा सुसाइड कर लेने के साथ उनका अपहरण करने की बात कही जा रही है। इधर इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि जब जान बचाने वाले डॉक्टर की ही जान खतरे में पड़ने लगेगी तो आखिर चिकित्सक खुलकर कैसे जनसेवा या मरीजों का इलाज कर सकेंगे। वहीं इसको लेकर रविवार को भागलपुर IME की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें सभी चिकित्सकों ने शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। चिकित्सकों ने कहा कि बिहार में केवल DGP बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई करते हुए सख्त कदम भी उठाने होंगे। बता दें कि डॉक्टर के अपहरण मामले को लेकर राज्य के कई शहरों में चिकित्सकों द्वारा काला बिल्ला लगाकर विरोध जताते हुए कार्य किया जा रहा है, जबकि एक स्वर में सभी डॉक्टरों ने अविलंब डॉक्टर संजय कुमार की सकुशल बरामदगी की मांग सरकार और पुलिस प्रशासन से की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर संदीप लाल, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर मनीष कुमार और डॉक्टर विहारी लाल समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे। विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि 12 दिन बीतने के बाद भी और इतने बड़े पद पे रहते हुए जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर संजय कुमार, वो 1 मार्च को 7 बजे शाम के बाद से लापता है। उनकी गाड़ी और उनका मोबाइल गंगा सेतु जो पटना में ब्रिज है उसके पास मिला और उसके बाद से IME बिहार के जो भी हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ये सभी लोग गृह सचिव से और DGP से जा कर के मिले और ये शंका जताई जाने लगी कि या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है या उनकी किडनैपिंग। जो भी हो, हम लोग इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। संविधान भी हम लोगों को ये अधिकार देता है कि जान की सुरक्षा सरकार का दायित्व है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो घटना घटी है, अगर जल्द से जल्द उनको सुरक्षित
नहीं वापस लाया जाए तो और ज़्यादा लोग चिंतित होते जाएंगे। डॉक्टर वर्ग बहुत चिंतित है इस बात से, और ख़ास करके डॉक्टर वर्ग जो जान बचाने का काम करता है, अगर उनके जान पे ही खतरा आने लगे तो फिर समाज में और कुछ बचता नहीं। आबकारी विभाग के द्वारा आए दिन भागलपुर के कई क्षेत्रों में छापेमारी का सिलसिला जारी है। इसको लेकर भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला मोहल्ले में आबकारी विभाग के द्वारा दोपहर के वक्त छापेमारी करने के लिए गई टीम के समक्ष मोहल्ले के लोग और महिलाओं ने जमकर विरोध किया। इस दौरान दोनों ओर से झड़प हो गई, जिसमें आबकारी विभाग के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कुछ महिलाएं घायल हो गई हैं। इस झड़प में आबकारी विभाग के 3 सिपाही भी घायल हो गए, जिसके बाद पासी टोला मोहल्ले की महिलाओं ने छापेमारी करने गई टीम पर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया। वहीं इसके बाद उग्र महिलाओं ने पहले तो जिलाधिकारी आवास का घेराव किया, जबकि इसके बाद परारी थाना पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए जमकर हंगामा करती दिखी। बता दें कि महिलाओं ने घंटों डीएम आवास के पास धरना देकर सड़क को जाम कर दिया, जिसको देखते हुए वहां भारी संख्या में सीआईटी और महिला पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और सभी को समझा बुझा कर मामला को शांत कराया गया। वहीं इसके बाद घायल महिलाओं को इलाज के लिए मायगन अस्पताल ले जाया गया, जिसमें नंदनी देवी और सरस्वती देवी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि महिला पुलिस नहीं रहने के बावजूद उन लोगों के घरों में घुसकर छापेमारी टीम और पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर घायल कर दिया। सबको क्यों मारेंगे? कौन मारा? पुलिस मारे हैं। भागलपुर के नवगछिया इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके में पुलिस द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को दियारा क्षेत्र में अपराधियों द्वारा किसानों को परेशान करने की गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर हरकत में आई पुलिस ने नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई थानों की पुलिस के साथ दियारा क्षेत्र में पहुंची, जहाँ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों और किसानों से रंगदारी को लेकर पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन किसानों ने रंगदारी मांगने की बात पर कुछ भी नहीं कहा। वहीं पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि किसानों को कहीं से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जाता है, जबकि दियारा क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ के लिए नवगछिया पुलिस सघन छापेमारी अभियान चलाकर किसानों को सुरक्षा का भरोसा देती है। एसपी ने कहा कि फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन आम लोगों के बीच सुरक्षा का भाव जगाने को लेकर ग्रामीणों के साथ पुलिस की भी वार्ता होनी चाहिए, जिससे किसी अपराधी की सूचना मिलते ही उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। देखिए, हम लोगों के ऑफिस में प्रायः शिकायत मिलती थी कि यहाँ जो दियरा इलाका है, कुछ अपराधी उनका जमीन कैप्चर कर लेते हैं या फसल काटने नहीं देते हैं, फसल बोता है किसान वो काटने नहीं देता है, कई शिकायतें मिलता था। हालांकि वो जानकारी जो थाना पहाड़ी भी दी जाती थी, तो थाना पहाड़ी नियमित छापेमारी भी करते थे, गोपालपुर हो इस्माइलपुर हो, दोनों ज्वाइंट रेड भी करते थे, तो काफ़ी कमी आई है। इधर कुछ घटना घटी थी, वो कुछ अपराधी फायरिंग वायरिंग किया था और पैसे की मांग था क्या ठेकेदार से, उस पर पुलिस भी केस हुआ है। ये जानकारी हम लोग को मिली थी कि जो बसगारा इलाका है, वहाँ जो मकई का खेत है और था जो जंगल है गंगा किनारे, वहाँ लोग छिपता है, आश्रय लेता है। तो हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए थे, छापामारी भी किया, हालांकि वो लोग कोई मिला नहीं, लेकिन काफ़ी फीडबैक भी मिला है, ताकि हम आगे भी लोग एडिट करते रहेंगे। ये पिकेट, हाँ पिकेट देखने आए थे, यहाँ सभी जवान से मैंने बात भी किया, जो उनकी समस्याएं थी उनको सुना भी, उसका निदान भी करेंगे और थाना प्रभाग निर्देश भी दिया है, जब भी यहाँ आते हैं इस क्षेत्र का जो भी आसूचना हो, जो अपराधी हो, उनके खिलाफ छापामारी करेंगे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी है, मैं सीनियर कंसल्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन
अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता में कार्यरत हूँ। हम लोग 18 मार्च 2023 को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भागलपुर में आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और कैंसर रिलेटेड समस्याओं के बारे में सुनेंगे और सुझाव देंगे। मेरा स्पेशलिटी ब्लड और ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, लाइक थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, लो प्लेटलेट का काउंट, लो हीमोग्लोबिन, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम सुझाव देंगे। कुछ कैंसर जो कि कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता है उस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, थैलेसीमिया का बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके संबंधित भी आप लोग को जानकारी देंगे। तो हमारा आग्रह है और सुझाव है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में आइए ताकि हम लोग आप लोग के साथ बैठकर और इंटरेक्ट करके आप लोग के समस्या का समाधान कर सकें। नमस्ते दोस्तों, कैंसर सुन के सब डर जाते हैं ना, और कैंसर बढ़ते जा रहा है सबको मालूम है, और भागलपुर जैसी जगह में जब कैंसर सुनते हो तो आप तुरंत शहर की तरफ दौड़ने का सोचते हो। आज आपके लिए खुशखबरी की बात है, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता आपके लिए कैंसर की पूरी टीम, यस दोस्तों पूरी टीम, मेडिकल सर्जिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेके 18 तारीख को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी दुविधा को दूर करने के लिए आ रही है। कोई भी शंका हो, सेकेंड ओपिनियन हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, एक छत के नीचे ऑल स्पेशलिस्ट आपके लिए भागलपुर में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मिलते हैं आपसे 18 तारीख को भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ की ओर से रविवार को अंगभूमि महिला सम्मान समारोह का आयोजन भागलपुर के एक विवाह भवन में किया गया। कार्यक्रम में शहर की महिला उद्यमी, सामाजिक शिक्षा, चिकित्सा, हस्तकला, उत्कृष्ट नर्सिंग समेत अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्णा सिंह, डॉक्टर रेखा झा, अरुणिमा सिंह, श्वेता सिंह, विनीता शाह, आभा पाठक समेत दर्जनों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने कहा कि अंगभूमि महिला गौरव सम्मान के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और एकता की भावना को बल मिलेगा, जबकि मातृशक्ति को सुदृढ़ और सशक्त करने का यह प्रयास काफी सराहनीय है। साथ ही कहा कि एक बेटी ही बाद में बहू और फिर माँ बनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, जिसके लिए उन्हें कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आयोजित अंगभूमि महिला गौरव सम्मान समारोह में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने सभी महिलाओं और मातृशक्तियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। विश्व महिला दिवस के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी, खास करके महिला संगठन के द्वारा, प्रकोष्ठ के द्वारा आज अंग गौरव महिला सम्मान का आयोजन किया गया है। इसमें ऐसी महिलाएं आई हैं जो अपने घर को संवारने के साथ साथ अपने घर को नई ऊंचाइयां दे रही हैं, साथ में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। वो कोई उद्योग चला रही हैं, कोई शिक्षा का लक्ष्य लगा रही हैं, कोई लोगों को, महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। तो इस तरह से ये ऐसी जागृत महिलाएँ हैं जो एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत है। और जैसा कि जानते हैं, कोई आपदा, कोई विपत्ति के घड़ी में जब पुरुष का देहांत हो जाता है तो वो घर जो है तबाह हो जाता है, अचानक से सड़क पर आ जाता है, भुखमरी पर आ जाता है। लेकिन यदि महिलाएं शुरू से सजग रहें और पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर चलें तो ये दिन नहीं आने वाली है। आज जीवन जागृति सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला को सम्मानित करने का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमने ऐसी महिलाओं को चुना है सम्मानित करने के लिए जो बहुत सारे क्षेत्रों में, जो उद्यमी हैं, जो कृषि पे काम कर रही हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इनफैक्ट आईटी फील्ड में भी जो प्रोफेसर बनी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर है, हमने ऐसी ऐसी महिलाओं को चुन कर निकाला है। और हमारा मुद्दा था कि हम ऐसी महिलाएँ जो पहचान पा चुकी हैं उनसे अन्यत्र जाकर
ऐसी महिलाओं को ढूंढें जो अभी तक पहचान पाने की मोहताज है, जो कि संघर्षशील है। ऐसी महिलाओं को हम मंच दे, बाहर निकाल के लाए, ताकि वो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कजरैली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 और 11 में पानी की समस्याओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए। वहीं पानी की समस्या को लेकर परेशान ग्रामीणों ने कहा कि मुखिया प्रतिनिधि और वार्ड 10 और 11 के प्रतिनिधि का भी उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं है, जिसमें करीब 7 माह से उन लोगों को पानी की समस्या हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड नंबर 11 में सभी ग्रामीणों से चंदा वसूल कर समरसेबल का मोटर ठीक करवाने की बात हुई थी, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि सभी ग्रामीणों से पैसा लेकर काम नहीं करवाया, जबकि ग्रामीणों द्वारा चंदा वसूलने के बाद गाँव से 50,000 रुपये जमा हुए थे, लेकिन अभी तक मोटर नहीं लगवाया गया, जिसके कारण सभी ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है। पानी का कब से हो रहा है? 4 महीना से। अच्छा, तो क्या कोई ध्यान नहीं दे रहा कोई प्रतिनिधि? मुखिया साहब ना कोई नहीं, ना मुखिया ना वार्ड। अच्छा, आपका अच्छा ना था ना घरों बिल यार घुसी जाए। अच्छा, कौन घुसता है? क्या नाम है मुखिया का? मुखिया क्या नाम है? रमेश कुमार भारती। अपना घर में मुखिया बाज भी है, ठीक है, उन लोग को बोले, उन लोग बोला कि हम लोगों में हाथ में नहीं है, आप लोग करिएगा धांधली तभी होगा, ठीक ना? ये कौन बोला आपको? 2 महीना से ये बोला कौन? गांव समाज। अच्छा, धांधली होगा तब? हाँ, तब होगा। अब ये बताइए कि अपने गांव का मुखिया और वार्ड होते हुए जो परेशानी में सब कोई रहेगा, एक घर का समस्या चल जाएगा। यहाँ कितना घर है आप बताइए सर जी, कितना घर है? कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर। तब ये लोग का के पानी नहीं तो जीवन नहीं। हाँ, सही बात है, जल ही जीवन है। हाँ, जल ही जीवन। शहर के ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों को नामांकन के बाद एक निश्चित दुकान के पास किताब लेने के लिए लाइन लगाकर घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसको लेकर रविवार को शहर के चर्चित किताब दुकान के पास बुक लेने के लिए लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान कई अभिभावकों ने कहा कि कई घंटे लाइन में रहने के बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण उन्हें किताब नहीं मिल पा रही है, जिससे बच्चों के साथ उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन और दुकान मालिक की मिलीभगत के कारण अभिभावक परेशान हो रहे हैं, जबकि किताब दुकान पर बुक लिस्ट और उसमें लगने वाले पैसे की भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने किताब तो पहले ले लिया, लेकिन किताब में कुछ गड़बड़ी के कारण फिर से दुकान के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि दुकानदार अब किताब बदलने से आनाकानी कर रहे हैं। वहीं इस तमाम परेशानियों के बावजूद स्कूल प्रबंधन के अलावा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग भी मौन है। बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत भीड़ है, सुविधा एकदम खराब है और इतना भीड़ है कि भीड़ में घुसने में मुश्किल है एकदम अंदर में। कितना देर से लाइन में लगे हुए हैं? 2 घंटा सुबह से आके 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। बच्चा ले लेके आए, छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं हम लोग। 50 रुपया होना चाहिए, 450 रुपया ले रहा है, 350 रुपया ले रहा है और LKG का, UKG का सबका किताब ये बदल दे रहा है। अब कहाँ से गार्जियन इतना पैसा लाएगा? किताबों में देगा 5-5 हजार, 10 हजार। अभी 2 का किताब लेने जाएंगे, अभी 5 हजार रुपया लगेगा और उसमें सब किताब बदल देता है हर साल। कौन ऐसा चीज है जो उसमें ही बदल दे रहा है? ये कल से 3 बार आ चुके हैं और आज फिर आए हैं, यहाँ पे नहीं है। सारे स्कूल का जिम्मेदारी लिए हुआ है और एक जरा भी इसको जो है ना सर्विस इसके पास नहीं है। कल से 3 बार आ चुके हैं, बुक नहीं मिला अभी तक, देख लिए यहाँ क्या स्थिति है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।